आज का हमारा बिखरा हुआ सामाजिक वातावरण, जहां हर आदमी किसी न किसी वजह से परेशान है, हर आदमी को कोई न कोई समस्या घेरे रहती है, कोई आलोचना का शिकार होता है तो कोई बेबहियात इंटरफेयर का, जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं या हादसे व्यक्ति को ओवरथिंकिंग का शिकार बना देती है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से ढेरों शिकायतें होती है, अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती है और इन सबके दबाव में अपने अंदर के उत्साह और उमंगों को मरता हुआ महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं। लगातार सोचते रहने के कारण व्यक्ति ओवरथिंकिंग की समस्या का शिकार हो जाता है। हमेशा किसी सोच में डूबे रहना आपको बीमार कर सकता है। ओवरथिंकिंग से गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है। अधिक सोचने से आपकी नींद और खान पान पर काफी असर पड़ता है और आप नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग के कारण हमारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघात को दोहराते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में बार बार नकारात्मक बातों को सोचने की आदत हमें खुश और सकारात्मक होने से पीछे खींचती है और इसका नतीजा होता है कि आप आशावादी होने की तुलना में हर चीज के बारे में खुद को निराशावादी महसूस करते हैं। ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आप ओवरथिंकिंग के जंजाल से निकलने में सफल हो सकते हैं। कुछ लोग ओवरथिंकिंग से बचने के लिए अस्थायी समाधान का सहारा लेते हैं, जिसके कारण अस्थायी तौर पर तो राहत मिल जाती है, लेकिन इससे पूरी तरह निजात पाने के लिए कुछ कारगर तरीके अपनाने की जरूरत होती है। ओवरथिंकिंग की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना समय बेकार की बातें सोचने में न लगाकर अपने काम पर लगाएं। अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करें। इससे आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। जब आप ओवरथिंकिंग में डूब रहे हो तो अपना ध्यान अपने शौक पर लगा सकते हैं, यानी आपको गाना सुनना पसंद है तो इसमें अपना ध्यान लगा सकते हैं, या फिर खाना पकाने, डांस करने, टीवी शो देखने, लिखने या पेंटिंग करने में समय बिता सकते हैं। ओवरथिंकिंग में होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह से आप अपने दिमाग को एक्टिव भी रख पाएंगे। दिन भर अपने दिमागी विचारों में गुम रहने के बजाय आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कोई एक समय अपने लक्ष्य के बारे में और अपनी अगली योजना के बारे में सोच सकते हैं। ओवरथिंकिंग अकेले में ज्यादा हावी होती है। ऐसे में उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको तनाव देती है या घबराहट पैदा करती है। इसके लिए आप दिन का कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करने में लगा सकते हैं। शाम के समय वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। नेचुरल एनवायरनमेंट आपको शांति और सुकून देगी। जब आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो इस नकारात्मकता के कारण को पहचानने की कोशिश करें। नकारात्मक विचार को खुद पर हावी न होने दें। नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। इसके लिए अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत बनाएं। यह सोचने में अपना समय बर्बाद न करें कि भविष्य में क्या होगा। नकारात्मक विचारों से निकलकर भविष्य के बारे में बेहतर सोचें। पुरानी यादों और नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें।